नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं नॉलेज फॉर यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि दुनिया भर में हर गाड़ी के टायर काले रंग के होते हैं, जबकि छोटे बच्चों की साइकिलों के टायर तो वाइट, रेड, येलो या दूसरे रंगों के भी होते हैं। तो आइए जानते हैं इनके पीछे का वैज्ञानिक कारण। टायर बनाने वाली सभी कंपनियाँ टायर का रंग ब्लैक ही रखना पसंद करती हैं। हम जानते ही हैं कि टायर रबड़ से बनता है, लेकिन नेचुरल रबड़ का रंग तो ग्रे कलर का होता है, तो फिर टायर ब्लैक कैसे? दरअसल टायर बनाते समय रबड़ का रंग बदला जाता है और ये ग्रे से ब्लैक हो जाता है। टायर बनाने की इस प्रोसेस को वल्कनाइजेशन कहते हैं। टायर बनाने के लिए रबड़ में ब्लैक कार्बन भी मिलाया जाता है, जिससे रबड़ जल्दी नहीं घिसते। अगर सादा रबड़ का टायर 10,000 किलोमीटर तक चलता है तो कार्बन युक्त टायर 1,00,000 किलोमीटर या उससे अधिक चल सकता है। अगर टायर में साधारण रबड़ लगा दिया जाए तो यह जल्दी घिस जाएगा, इसलिए इसमें ब्लैक कार्बन और सल्फर मिलाया जाता है, जिससे टायर काफ़ी दिन तक चलता है। ब्लैक कार्बन की कई क्लास होती है। रबड़ मुलायम होगा या सख्त, यह इस पर निर्भर रहता है कि कौन सी क्लास का कार्बन उसमें मिलाया गया है। मुलायम रबड़ के टायरों की पकड़ मजबूत होती है, लेकिन वे जल्दी घिस जाते हैं, जबकि सख्त टायर आसानी से नहीं घिसते और ज़्यादा दिन तक चलते हैं। टायर बनाते टाइम इसमें सल्फर भी मिलाया जाता है और कार्बन ब्लैक होने के कारण अल्ट्रावायलेट रेज से भी बच जाता है। आपने किसी टायर को जलते हुए देखा होगा तो शायद गौर किया होगा कि उससे धुआं बहुत ही ब्लैक निकलता है। उसका कारण भी यही ब्लैक कार्बन और सल्फर होता है। बच्चों की साइकिलों में वाइट, येलो और दूसरे रंगों के टायर लगे होते हैं। इसका कारण है कि बच्चों की साइकिल रोड पर ज़्यादा नहीं चलती और बच्चों की साइकिल में ब्लैक कार्बन नहीं मिलाया जाता है, इसलिए ये टायर थोड़े निम्न कैटेगरी के होते हैं, जो ज़्यादा दिन तक नहीं चलते और जल्दी घिस जाते हैं। थैंक यू दोस्तों, और भी ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।